हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड लास्ट टू डिकेट से आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन एंड द इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट एंड आई एम स्पेशाइज्ड इन इन्फेक्शन प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एंड द लाइफ स्टाइल डिसीज़ तो आज हम बात करेंगे कि एडिनो जो अभी रिसेंटली अपने सुना होगा दुनिया भर में एक बहुत वायरल न्यूज़ है कि बंगाल के अंदर लास्ट वन वीक के अंदर ट्वेल्व चाइल्ड्स का डेथ हो गया तो एडिनो वायरस आखिर क्या है वो क्यों इतना मतलब परेशान कर रहा है क्यों इतने रेड फ्लैक्स दिखाता है सिम्टम्स के साथ और ऐसा क्यों हो रहा है देखो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन था उसमें एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप की गई और वो स्पेसिफिक जो इम्यूनिटी डेवलप की गई उसमें एडिनो वायरस का एक कंट्रीब्यूशन था उसके साथ साथ बात यह है कि जो कोविड के लिए जो हमारे पास इम्यूनिटी है दुनिया भर में वो हार्ड इम्यूनिटी हो या आपने वैक्सीन लिया हो या फिर आप बीमार हो गए तो उसके बाद बॉडी ने, ने नेचुरली डेवलप कर ली हो तो उसके बाद एडिनो वायरस या दूसरी कैटेगरी के जो वायरस हैं जो कोल्ड फ्लू इन्फ्लुन्जा में के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनका थोड़ा सा ज़्यादा वो आजकल इफेक्टिव हो गए हैं या ये मानो कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या उसके कारण लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इस बार जो भी इंसान बीमार होता है उसको हाई ग्रेड फीवर और जो बॉडी के और सिम्टम्स होते हैं वो लगभग तीन से पाँच दिन में डिज़ोल्व हो जाते हैं लेकिन खांसी कंटिन्यूस बनी रहती है और एक इंसान बहुत बड़ी परेशानी में रहता है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत प्रभावित होती है तो आ, एडिनो वायरस बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट होता है और ये बच्चों को ज़्यादा हिट करता है यानी लेस देन फाइव ईयर वाले जो बच्चे हैं उस ग्रुप को ये ज़्यादा हिट कर रहा है तो एडिनो वायरस एक्चुअल में आपका जो एडनो एरिया है आ, मतलब आपके जो एडिनोइड्स हैं इक, आ, मतलब इसको हम दूसरी तरह से समझें तो आपकी जो नेजल कैविटी है नेजल कैविटी का जो ऊपर वाला हिस्सा है उधर ये सबसे पहले आपको परेशानी क्रिएट करेगा इन्फ्लामेशन पैदा करेगा और रेड नेस आएगी और इरिटेशन आएगी और पहले आपको जुखाम होगा खांसी होगी या इरिटेशन होगी या पोस्ट नेजल ड्रिप पोस्ट नेजल ड्रिप मतलब आपको डिपिंग होगी गले में आप गंदा पानी या फिर कंजेशन या सडन रात को खांसी या सडन आपको एक घुटन सी होगी एक परेशानी होगी ये शुरू के सिम्टम्स होते हैं और उसके साथ साथ आपको फीवर होता है हाई ग्रेड फीवर और जो दूसरे सिम्टम्स हैं वो लगभग वैसे ही रहते हैं जैसे कि वायरल में या कोविड में या दूसरे तरह के जो फ्लू होते हैं या वायरल होते हैं लेकिन अब फाइव डेज़ के बाद ना पूरी पिक्चर बदल जाती है पूरी पिक्चर बदल जाती है मतलब इस सेंस में कि पेशेंट सोचता है कि अब लगभग हम ठीक हैं लेकिन पेशेंट बिल्कुल ठीक नहीं हुआ होता है एडिनो वायरस का जो एक तरीका है स्प्रेड होने का वो ये है कि वो सबसे पहले आपकी नोज़ फिर आपका थ्रॉट फिर आपका लेरिंग्स फेरिंग्स फिर आपका पूरा रेस्परेटरी सिस्टम को वो अपनी चपेट में ले, ले लेता है तो पहले आपको कई बार आप देखते हैं कि गले में प्रॉब्लम होती है उसके बाद प्रॉब्लम खांसी के रूप में आपको निचले वाले एरिया में दिखाई देती है लंग्स आपके इन्फेक्टेड हो जाते हैं मतलब आपको या तो ब्रोंकाइटिस हो जाएगा या ब्रोंकलस्थमा हो जाएगा या फिर आपको नमूनिया वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी यानी नमूनिया हो जाता है और नमूनिया बड़े हों या छोटे हों सभी के लिए बड़ा घातक होता है नमूनिया अपने आप में एक लाइफ थ्रेडिंग डिसीज़ है विद रेड फ्लैक्स विदे कॉम्प्लिकेशन्स वो आता है और लोगों को परेशानी होती है अब बच्चों की जो इम्यूनिटी है उसमें कोई स्पेसिफिक एडनो की इम्यूनिटी नहीं है किसी के पास भी नहीं है और इसका अभी तक कोई प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट या कोई इलाज या कोई दवाई भी नहीं है जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव जो इलाज है जो अप्रोच है वही इसमें अप्लाई किया जाता है कि आप नेजल स्प्रे डालें नोज़ को क्लीन रखें आप नेलेशन रहें प्लस हैंड हाइजीन का ध्यान रखें अपने आसपास ड्राई रखें अब इसका आ, मतलब ट्रांसमिशन कैसे होता है ट्रांसमिशन में इसके है कि कफ़ के द्वारा हो सकता है स्टूल के द्वारा हो सकता है यूरिन के द्वारा हो सकता है तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ये आ, ट्रेवलिंग के दौरान मतलब लोग कैरी करते हैं या फिर कम्युनिटी में ये बहुत ज़्यादा जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं उधर ये स्प्रेड हो सकता है तो जैसे और दूसरे वायरस हैं वैसे ये है लेकिन इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये एक साइलेंट क्लर के रूप में काम कर रहा है बच्चों में शुरू में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होंगे शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और जब फीवर चला जाता है तो हम थोड़ा सा ये सोचते हैं कॉमन टेंडेंसी है ह्यूमन बींग की और जो हम सुनते हैं आसपास पास के भाई फीवर ठीक हो गया मतलब इन्फेक्शन अब ठीक हो रहा है लेकिन वो ठीक नहीं हुआ होता है आप दो चार दिन या फिर आ, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड कफ डेवलप हो जाता है ड्राई कफ़ इरिटेशन होती है सुबह शाम कफ बहुत ज़्यादा होता है और कफिंग यदि स्टार्ट हो जाए तो काफ़ी लंबे समय तक रहती है क्योंकि अब आप बच्चे आपको बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकते तो सबसे पहले मेरी सलाह ये है कि बच्चों के केस में आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें कोई भी कफ सीरप या कोई भी दवाई डॉक्टर के बगैर परामर्श के ना दें आप फिजिशियन हो आपके फैमिली फिजिशियन हो या पेडिटेशन हो जो भी डॉक्टर है जो भी ऑप्शन है आपके पास किसी भी थेरेपी के फिजिशियन है जो नियर बाई आप उनके पास अप्रोच करिए उनको अपने बच्चे को एग्जामिन कराइए और डॉक्टर को भी चाहिए कि डॉक्टर प्रॉपरली लंग्स को एग्जामिन करे थ्रोट को एग्जामिन करे नोज़ को एग्जामिन करे और अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना होगा नॉर्मल फ्लू है या वायरल फीवर है या नॉर्मल कफ कोल्ड है या नॉर्मल जुकाम है या एडिनो वायरस से ये प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि डिफ्रेंसीट नहीं करेंगे तो फिर सही प्रॉपर इलाज नहीं मिलेगा और हम प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं पहुंचेंगे और क्या होता है एक कॉम्प्लिकेटेड नमूनिया के रूप में प्रॉब्लम सामने आती है नमूनिया है या फिर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है उसको साउंड सुन के स्थप की हेल्प से समझा जा सकता है पहचाना जा सकता है लेकिन फिर भी यदि कॉम्प्लिकेशंस लगते हैं तो चेस्ट एक्सरे कराएँ ब्लड टेस्ट कराएँ चेस्ट एक्सरे और ब्लड टेस्ट के आधार पर और सिम्टम्स को एसोशिएट करके हम एक डायग्नोसिस बना सकते हैं उसके बाद आता है कि इसका अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में वही एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अभी तक कारगर है और बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं लगभग ये नाइन्टी परसेंट बच्चों को हिट करता है और टेन परसेंट में ये किसी को भी हो सकता है और ये केवल एक से दो परसेंट ही रेड फ्लैग के साथ यानी घातक होता है लाइफ थ्रेडिंग होता है यानी एक से दो परसेंट बच्चों को या लोगों को ये हिट कर सकता है इवन लाइफ को ख़त्म भी कर सकता है तो थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है सावधान होने की ज़रूरत है अब एक से दो परसेंट में वो बच्चे आते हैं कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड हैं या जिन लोगों का बच्चों का जो लंग्स है वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं है आपने बहुत सारे बच्चों में देखा होगा कि बहुत जल्दी खांसी होती है और खांसी एक कॉम्प्लिकेटेड रूप में आती है मतलब ठीक ही नहीं होती आ, साउंड खर खर की आवाज़ आती है या बीजिंग साउंड आती है बच्चे के चेज़ से तो जिन बच्चों को जल्दी जल्दी खांसी होती है बीजिंग साउंड आती है खर घर की आवाज़ आती है हैवी साउंड आती है उन उस केस में थोड़ा सा ज़्यादा सावधान होने की जरूरत है मोस्ट प्रॉब्ली आपके बच्चे को ब्रोंकल अस्थमा है या फिर आपको ब्रोंकल नमूनिया हो सकता है या फिर लंग्स का कोई दूसरा इन्फेक्शन भी हो सकता है तो इसको आप थोड़ा सा स्पेसिफ़िकली समझिए ट्रीटमेंट में ये है कि आप नेबुलाइज कराएँ बच्चे को लिबोलिन अस्थालिन या ड्योलिन से कर सकते हैं नेबुलाइज दो से तीन बार स्टीम इनलेशन करें प्रॉपरली अच्छे से हाइड्रेटेड रखें हल्का गुनगुना पानी पिलाएं बच्चे को और बच्चे को क्लीन रखें जितना आप उसके पैसेज को क्लीन रखेंगे वो नेजल पैसेज हो या आपका ओरल पैसेज हो तो बच्चे को कम तकलीफ़ होगी कम खांसी होगी अब ये देखा जाता है कि नोजर ये सब पैसेज ड्राई हो जाता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चा हाइड्रेटेड हो यानी बच्चे को प्रॉपरली पानी मिलता रहे नेबुलाइजेशन से और स्टीमेशन से बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं पैसेज को क्लीन रखने से बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं प्लस आपको बच्चे का टेम्परेचर मैनेज करना है प्लस बच्चे को अच्छा खाना देना है अच्छा लिक्विड देना है प्लस जो नॉर्मल एंटीबायोटिक हैं और जो आपके एंटी एलर्जिक हैं और जो म्यूक्यूलाइट एजेंट हैं वो आपको देने हैं तो लाभ का बच्चा लगभग फाइव टू तो सेवन डेज में रिकवर कर जाएगा लेकिन खांसी रह सकती है वो दो हफ्ते चल सकती है तीन हफ्ते चल सकती है इवन चार हफ्ते भी चल सकती है दैट डिपेंड के आपके बॉडी का जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है यानी इम्यूनिटी रेस्पॉन्स है जो आपका हीलिंग रेस्पॉन्स है वो कैसा है कितना बेटर है तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए एडेनो वायरस इज इक्वली हार्मफुल उतना ही खतरनाक है जितना कि कोविड वायरस है लेकिन एडिनो वायरस के अंदर लापरवाही या डिले करना या सेल्फ मेडिकेशन आपके बच्चे की जान ले सकता है तो ये सब आपको नहीं करना है आई होप आप ये समझ पाए होंगे थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योर सेल्फ